जय हिंद एयर वॉरियर्स, कैसे हो भाई सब। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि एयरफोर्स वेलकम किट में आपको क्या क्या सामान मिलेगा। तो भाई सबसे पहले जिस दिन आपको एनरोलमेंट के लिए बुलाया जाएगा उस दिन आपका मेडिकल वगैरह होगा और आपसे सारा डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे। जिन लोगों का बैंक नहीं होगा उन सबका बैंक खुलवाएंगे और बाकी डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद आपको बुलेट नंबर बता के एक स्क्वाड्रन में भेज दिया जाएगा कि उस वाली स्क्वाड्रन में बुलेट नंबर ये, बड़े नंबर ये, वहां पे आपको चले जाना है। तो वहां पे आप जाओगे, उसके बाद आपका जब फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा फिर सेकेंड डे पे लॉजिस्टिक स्टोर ले जाया जाएगा। वहां पे आपकी चेस्ट का और चेस्ट वेस्ट और हाइट सब चीज का मेजरमेंट होगा और उस मेजरमेंट के हिसाब से आपको बता देंगे कि ये बॉक्स नंबर आपका है, ये ले लो। और उस बॉक्स नंबर में आपके साइज के कपड़े आपको मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे मतलब ड्रेस मिलेंगी, यूनिफॉर्म मिलेंगी और उसी नंबर के शूज भी मिलेंगे। तो ये बात करते हैं कि उस वेलकम किट में आपको क्या क्या सामान मिलेगा। वही उसके बाद आप जब अपने रूम पे वापस जाओगे, अपने बिलेट पे वापस जाओगे तो आपके बेड के पास में आपको ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपका सारा सामान रखा होगा। वही बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो वही सबसे पहले अगर बेडिंग की बात करें तो उसमें आपको सबसे पहले एक दरी मिल जाएगी बिछाने के लिए और तीन बेडशीट होंगी व्हाइट कलर की। बेडशीट अच्छी क्वालिटी की होती है आपकी, तीन बेडशीट में आराम से 6 महीने 5 महीने बेसिक ट्रेनिंग के और 2 महीने टेट्रा के आराम से कट जाएंगे। उसके अलावा उसमें 2 ब्लैंकेट होते हैं। बेलगांव और तंबरम में ज़्यादा सर्दी नहीं होती है तो 2 ब्लैंकेट सफिशियंट है, आपको ठंडी नहीं लगेगी 2 ब्लैंकेट में। और उसके अलावा ये एक मॉस्किटो नेट देते हैं बेलगांव में, अभी तक तो बेलगांव में गए हैं सारे कैंडिडेट्स तो बेलगांव में ठीक ठाक मच्छर होते हैं, इस वजह से मॉस्किटो नेट भी प्रोवाइड कराई जाती है। और भाई बात करें अगर वियरिंग में, यूनिफॉर्म में, तो सबसे पहले आपको 3 ब्लू यूनिफॉर्म मिलेंगी। 3 ब्लू यूनिफॉर्म में से 2 ब्लू यूनिफॉर्म आपको मिलेंगी परेड के लिए, जब परेड होगी तब वो 2 यूनिफॉर्म पहननी होंगी। उसके अलावा एक होगी थोड़ी फेडेड कलर में, वो फेडेड वाली यूनिफॉर्म आपको तब पहननी होगी जब आर्म्ड ड्रिल होगी, मतलब जब गन के साथ ड्रिल करवाएंगे तब आपको थोड़ी फेडेड ब्लू कलर की जो होती है वो आपको पहननी होगी ताकि वो ज़्यादा गंदी ना लगे। और भाई उसके अलावा 2 सेट कॉम्बैट ड्रेस मिलेगी जिसको फील्ड ड्रेस भी बोलते हैं, जो ग्रीन कलर की होती है फौजी डिजाइन में, वाली आपको 2 ड्रेस मिलेंगी। जब आपका ग्राउंड वगैरह का या फील्ड वगैरह का काम होगा तो आपको वही कॉम्बैट ड्रेस पहननी होगी। और उसके अलावा भाई उस वेलकम किट में आपको 2 टॉवल मिलेंगी वाइट कलर की और एक जर्सी रहती है उसमें, जर्सी आपको ऐसी मिलेगी जिससे आपको वहाँ पे सर्दी नहीं लगेगी। रात के टाइम पे वहाँ पे हल्की हल्की सर्दी होने लगती है दिसंबर जनवरी के टाइम पे, तो एक जर्सी होगी और एक IAF की जैकेट होती है जिसमें पीछे IAF जैकेट लिखा होता है। और एक आपको बैग मिलेगा, हैंड बैग होता है, उसमें आपकी जब फैकल्टी यानी आपकी जब क्लासे होंगी तो आप उस बैग में अपनी बुके वगैरह रख सकते हो, बुक कॉपी जो भी रखना है वो रख के क्लास करने जा सकते हो। उसके अलावा भाई आप शूज की बात करें तो शूज में और भाई एक बैग आपको और मिलेगा ग्रीन कलर का, जब कैंप लगेगा कहीं बाहर जैसे कैंप में जब कभी ट्रेनिंग होगी तो आपको उसी ग्रीन कलर के बैग में अपना सारा सामान रख के वहाँ कैंप में ले जाना है। और भाई अब अगर शूज की बात करें तो सबसे पहले आपको 2 पेयर स्पोर्ट शूज मिलेंगे। स्पोर्ट शूज मिलेंगे आपको रिबॉक के और वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसमें आपकी 5 महीने की बेसिक ट्रेनिंग और 2 महीने का टेट्रा दोनों कट जाएंगे बड़े आराम से। और उन्हीं दोनों शूज में आपको अलग से कोई शूज नहीं खरीदने पड़ेंगे। और जो आपको व्हाइट कलर के शूज घर से खरीदने के लिए बोले हैं वो आप सेगा या किसी भी कंपनी के 500-600 वाले जूते, नॉर्मल व्हाइट कलर के शूज ले लीजिए जो यहाँ से आप बेलगांव या तांबरम तक पहन के जा पाओ। उसके बाद वहाँ पे 2 पेयर व्हाइट कलर के स्पोर्ट शूज आपको अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद भाई 1 पेयर DMS बूट्स मिलेंगे। DMS बूट्स आपको कॉम्बैट ड्रेस के साथ पहनने होते हैं और ये वाले बूट्स भाई ऐसे होते हैं कि जब आप कॉम्बैट ड्रेस के साथ पहनोगे तो वो थोड़े बूट्स थोड़े ऊंचे होते हैं, तो आपको कॉम्बैट ड्रेस के साथ ये पहनने 1 पेयर DMS बूट्स। और उसके अलावा भाई 1 ऑक्सफोर्ड के कट शूज होते हैं, मतलब जब आपकी फैकल्टी यानी क्लासे लगेंगी तब आपको ऑक्सफोर्ड के कट शूज पहनने हैं। और उसके अलावा भाई 1 POP शूज होंगे, मतलब इनको परेड के टाइम पे पहना जाता है, इनकी इनको लकड़ जूते भी बोलते हैं, इनके नीचे लकड़ी का और कुछ कील टाइप की लगी रहती हैं ताकि परेड के टाइम पे ठक ठक की आवाजें आए। और उसके अलावा भाई आपको 3 तरह की बेल्ट मिलेंगी। सबसे पहले ब्लैक बेल्ट जो आपको कॉम्बैट ड्रेस के साथ पहननी है, और दूसरी होगी व्हाइट
व्हाइट बेल्ट आपको पूरी ट्रेनिंग में ब्लू यूनिफॉर्म के साथ में व्हाइट बेल्ट ही पहननी है। अभी एक बेल्ट और मिलेगी ब्लू बेल्ट, आप अभी ब्लू बेल्ट नहीं लगा सकते हो जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको अलाउ हो जाएगा ब्लू बेल्ट लगाना, तो फिर आप ब्लू बेल्ट लगा सकते हो, लेकिन अभी तीनों बेल्ट साथ में मिल जाएंगी। उसके अलावा भी 3 पेयर अंडरवियर मिलेगी और 3 पेयर वेस्ट मिलेंगे और 3 पेयर सॉक्स मिलेंगे। वैसे आपने यहाँ से भी अपने पैकिंग में रख लिया होगा सामान, तो और वहाँ पे भी 3 पेयर वेस्ट, 3 पेयर अंडरवियर और 3 पेयर सॉक्स मिलते हैं। और भाई इसके अलावा बात करें तो 2 PT किट मिलेंगी आपको। पीटी किट में 2 व्हाइट कलर की टी शर्ट होंगी, 2 व्हाइट कलर के शॉर्ट्स होंगे और 2 PT शूज मिलेंगे। पीटी शूज भी व्हाइट कलर के होते हैं, 2 PT शूज मिलेंगे। और उसके अलावा जब आपका सेकेंड डे होगा तो सेकेंड डे में आपको एक ब्लू कलर की हाफ टी शर्ट और एक ब्लू कलर का हाफ लोअर मिलेगा। सबसे पहले आपको यही पहनना है स्क्वाड्रन की जब ट्रेनिंग होगी तब आपको सबसे पहले तो ब्लू टी शर्ट और ब्लू हाफ लोअर ही पहनना है। लेकिन बाद में जब आपका स्क्वाड्रन दोबारा से अलॉट किया जाएगा उसमें आपका स्क्वाड्रन चेंज हो जाएगा, तब आपको आपके स्क्वाड्रन के हिसाब से उस कलर की 2 हाफ टी शर्ट देंगे, 2 हाफ लोअर देंगे और उसके बाद से आपको वही दोनों अपने हाउस की मतलब जो स्क्वाड्रन आपको मिलेगा उसी के हिसाब से हाफ टी शर्ट और हाफ लोअर पहनना है। और भाई बस यही है टी शर्ट का, और इतना सामान मिलता है आपको वेलकम किट में। और अगर आपको ये भी देखना है कि घर से क्या क्या सामान हम लोग को पैकिंग करके ले जानी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना, वो भी मेरा ही सामान है, उसमें आपको पता चल आइडिया लग जाएगा कि आपको यहाँ से अपने घर से क्या क्या सामान लेके जाना है। थैंक यू।